हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है। दिखने में गर्मा गर्म नहीं है, बट खाने के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है। सो हर घर की एक डिफरेंट होती है विंटर स्पेशल लड्डूज की रेसिपी। आपके घर की कैसी रेसिपीज है तो मेरे साथ इन कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं अपने घर की, मैं जिस तरह से लड्डू बनाती हूँ विंटर सीजन में, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। और इसके जितने फ़ायदे हैं ना, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे लोटस सीड, मखाना, इसे काफ़ी नामों से जाना जाता है, तो ये ऐड किया है। यहाँ पे मैंने इसे 250 ग्राम ऐड किया है। और ये हमारी ना लड्डू में बहुत ज़्यादा हमें रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है आपकी बोन्स के लिए, आपके इंटरनल डायबिटीज़ अगर पेशेंट है तो आपके डायबिटीज़ को लेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसे मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। आपको फ्लेम यहाँ पे डाउन रखना है, डाउन फ्लेम पे कंटिन्यू चलाना, नहीं तो ना ये ना हो कि आपके मखाने जल जाए फिर आपके लड्डू थोड़े से जले हुए लगे। तो इस पे थोड़ा कंटिन्यू आप रहिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे नट्स को रोस्ट किया है। तो मैंने नट्स रोस्ट करने के लिए क्या किया है, आमंड लिया है और काजू लिया है। काजू की क्वांटिटी मैंने कम रखी है, आमंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। सो इन दोनों को भी मैं रोस्ट अच्छे से कर लूँगी और आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। इसमें थोड़ा क्रंची सा जब फ्लेवर आ जाए ना, जब भी आप फ्लेम डाउन कीजिएगा। और फ्लेम आपको मीडियम रखना है, ना हाई रखना है, लो रखना है। फिर से भी मैंने निकाल लिया। इसके बाद वाइट वाले तिल, बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है गाइज, इससे डालना बिल्कुल मत भूलिएगा लड्डू में। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे स्लो मीडियम फ्लेम पे इसे भी इसी तरह रोस्ट कर लिया था। और आप जब भी रोस्ट करें ना, बहुत ज़्यादा एहतियात से रोस्ट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोस्टिंग हो चुकी है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इससे भी मैं निकाल लूँगी और जब ठंडा हो जाए, जब हमें इसे ग्राइंड करना है इन सारी चीज़ों को, तो मैं सारी चीज़ें निकाल लूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे नारियल ले रखा था, उसको मैंने पतले पतले पीस में कट कर लिया। इसके बाद इसे भी रोस्ट कर ले रही हूँ। जब हम इसका पाउडर बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फाइन सा पाउडर बन जाएगा। देन अब बारी आती है गोंद की। तो मैंने यहाँ पे गोंद ले रखा है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम गोंद को भूनते हैं तो ये हमारे जो मखाने के जैसे ही बिल्कुल बबल्स टाइप का बिल्कुल हो जाता है। अभी आप देखिएगा आगे वीडियो में। तो गोंद डालना बिल्कुल, तो गाइस गोंद का जो रोल है हमारे लड्डू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में कोल्ड या सीजनल वायरस जो होता है, इन्फेक्शन, इससे सेफ रखता है। हमारे आईसाइट को इम्प्रूव करता है। देन अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी डाउन है तो इसके भी हेल्प करता है। इसे हमें इम्यूनिटी बूस्टर के तरीके से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे गोंद ना मखाने के जैसे बिल्कुल बबल्स टाइप में फूल गए हैं, तो ये सारे इसी टाइप के हो जाते हैं। और यहाँ पे भी ये कंटिन्यू आप इसमें ध्यान रखें, नहीं तो ये भी जल जाते हैं नीचे से, अगर आपकी थोड़ी सी भी नज़र इधर से उधर हुई तो। प्लीज़ इस पर फोकस रखिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना मेरी ठंडी हो गई। अब वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीज़ें ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मखाने को पीस लिया है। इसके बाद इसी तरह मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लूँगी, तो आप देखते रहिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ ले रखा है 150 ग्राम। मैंने गुड़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा इसके पीसने के बाद। यहाँ देन इसके बाद मैं कढ़ाई लूँगी और इसके अंदर घी डालेंगे। घी का इस यहाँ से अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो घी जब तक वार्म अप हो रही है हमारी, गर्म हो रही है, तो जो भी हमने मटेरियल पीस के रखा था ना, जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स पीसा है, ग्राइंड किया है, अब उस हम इस कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे कि वो मटेरियल थोड़ा सा वार्म हो जाए और जो भी थोड़े से कच्चे चीज़ें हैं अब वो निकल जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, सारी ही चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए, गर्म सी भी हो जाए, जिससे हमें लड्डू बनाने में ना ईजी पड़ेगा और थोड़ा सा रोस्टिंग सा भी फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रोस्ट करके दिखा रही हूँ। लड्डू में सारे मटेरियल में घी एब्जॉर्ब हो चुका है और थोड़ा रोस्ट भी
हो चुका है। सो गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे खजूर होते हैं, तो मैंने इसे बारीक कट कर लिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे फायदे प्रोवाइड होते हैं और विंटर सीजन में हमें ज़रूर लेना चाहिए खजूर। खजूर तो एवरी सीजन लेना, लेकिन विंटर सीजन में इसके ज़्यादा फायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी ये भी ऐड कर लिया और सारी चीज़ों को जब तक मिक्स हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो आप जब तक जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने और ज़्यादा लोगों के साथ। तो यहाँ पे अब मैंने ये कढ़ाई को निकाल लिया है, मतलब फ्लेम से हटा लिया। अब इसके अंदर जो मेरा गुड़ था, अब मैं गुड़ और जो हमारा मिक्सचर है उसे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मा मेरी हेल्प कर रही हैं, तो यहाँ पे इस तरह से गुड़ को और मिक्सचर को ऐड करना है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको घी ऐड करना है। अगर आप घी नहीं चाहते कि आपके मिक्सचर के अंदर ज़्यादा पड़े, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वार्म मिल्क ऐड कर सकते हैं गाइस। वार्म मिल्क से क्या होगा, हमारे लड्डू बनने में ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अगर आप घी नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा आप घी डालें, तो यहाँ पे आप वार्म मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप क्वांटिटी से ऐड कर लीजिए। यहाँ पे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं भी बांधती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। सो गाइज यहाँ पे इसी तरह से लड्डू बंध रहेंगे और आपको अपने साइज़ अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए लड्डू का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट लड्डू बंधा है। तो इसी तरह सारे लड्डू बांध के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है गाइज, आप इसे बनाएं और इवनिंग में मॉर्निंग में कभी भी ले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, और बच्चों को भी इसे दे। तो यहाँ पे सारे लड्डू बन चुके हैं एंड यहाँ पे टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आया है और ये हमारी 6 मंथ तक ये रह सकती है। अगर आप इसे अच्छे से सेफ कांच के जार में अगर इसे रखें, तो ये 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी है, ये बिल्कुल सेफली रहेगी। तो यहाँ पे सारे लड्डू बन चुके हैं। होप यू लाइक इट दिस वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए और इस लड्डू को आप भी बनाएं, या आपके घर किस टाइप के लड्डू बनते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट।